अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AF किचन फूड ज़ायका में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज हम लेकर आए हैं यूनिक स्टाइल में न्यू रेसिपी, आपके साथ हम आज शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं मटन स्टिक्स। जी हाँ, मटन स्टिक्स आज हम बनाने वाले हैं। मटन स्टिक्स देखिए आप लोग, मटन स्टिक्स बहुत यूनिक स्टाइल में आज मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही लाजवाब होती है, कम टाइम में ये बन जाती है। घर के सामान से ही बनकर ये रेडी हो जाती है, क्योंकि हम जी हाँ मटन तला हुआ, मटन फ्राई, जो भी है मटन के रेसिपीज हम खाकर बोर हो गए तो हम इसको बना सकते हैं, या पार्टी या फंक्शंस में आप ज़रूर इसको बनाइए। चलिए हम दिखाते हैं। ये देखिए मैं ले रही हूँ, मेरा 300 ग्राम्स है मेरा मटन। जी हाँ, सॉरी सॉरी, 500 ग्राम्स है मेरा मटन, आधा किलो। जी हाँ, मेरा मटन है 500 ग्राम्स मेरा मटन है। मैं इसको पपई लगाकर रखी हूँ, देखिए देख सकते हैं आप, मैं इसको 10 मिनट हुआ है मैं पपई लगाकर इसको रखी हूँ। पपई का पेस्ट, जी हाँ, कच्ची पपई आप भी इसको लेकर लगा कर रख दीजिए। जी हाँ, 10 ही मिनट के लिए मैं इसको लगा कर रखी हूँ। ये देखिए हमारा मटन अच्छे से गल जाता है, इसमें मसाले लगाने के बाद ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए ये है हमारा 500 ग्राम्स आधा किलो मटन है, मैंने इसको धोकर सिर्फ इसको पपई ही लगाई है, बाकी का मसाला लगाना है। जी हाँ, देखिए अब मैं ले रही हूँ इसमें मसाले। 1 टीस्पून है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून है हमारी हल्दी पाउडर। जी हाँ, 1 टीस्पून है हमारा लाल मिर्ची पाउडर। देखिए ये है 1/2 टीस्पून है हमारा नमक। जी अब ये है हमारा, देखिए गरम मसाला 1 टीस्पून है, ये हमारा 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। जी हाँ, ये है हमारा धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून हमारा फूड कलर है। जी हाँ, और हमको चाहिए ऑयल। जी हाँ, हमको चाहिए ऑयल। ये देख लीजिए, हम ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, 2-3 स्पून के अंदर ये बनकर रेडी हो जाता है। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर से भी इसको बना सकते हैं, ऑयल से भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं, हम इसमें मसाले पूरे ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। जी हाँ, मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून। जी हाँ, मैं नमक थोड़ा कम ले रही हूँ। जी हाँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले लीजिए। जी हाँ, अब मैं ये देखिए 1 टीस्पून है हमारा गरम मसाला, 1 टीस्पून है हमारा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून है हमारा धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून है हमारा फूड कलर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, मैं नमक इसलिए इसमें कम डाल रही हूँ, थोड़ी देर बाद नींबू, हम इसमें नींबू का जो जूस होता है वो थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, उसके साथ हम फिर नमक थोड़ा ऐड करेंगे, इसीलिए मैं नमक कम डाल रही हूँ इसमें। जी हाँ, देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए अब आप इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए, क्योंकि ये गोश्त हमारा अच्छे से 10 मिनट हुआ मैं पपाई का पेस्ट लगा कर, इसीलिए मैं इसको मसालों के लिए 5 या 10 मिनट के लिए रख सकते हैं आप, मैं भी इसको 5 मिनट के लिए ही रख रही हूँ। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है फ्रेंड। तो देखिए देखिए अब हम इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट तक। जी हाँ, ये देखिए अब हमारा मटन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दी हूँ। देखिए इसको हम पपाई लगा दिए थे, हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। देखिए मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ, देखिए अच्छे से हमारा गोश्त, ये देखिए गल चुका है, देखिए नरम हो चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। देखिए अब हम मिला लेंगे इसमें, मैं जब 1/2 टीस्पून ली थी नमक, अब मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से भी कम ले रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, अब हम इसमें मिला लेंगे हमारा नींबू का रस। जी हाँ, आप देखिए नींबू का रस हमको चाहिए। देखिए मैं ले रही हूँ आधा नींबू, ये देखिए मैं ले रही हूँ आधा नींबू, 1/2 नींबू। ये देखिए हम इसको डालेंगे, देखिए अच्छे से हम 1/2 नींबू के जूस को अच्छे से इसमें मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, देखिए मेरा नींबू 1/2 अच्छे से हो चुका है। देखिए
अब मैं इसके इस बीन्स को निकाल देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। ये नमक, मिर्ची, सब मसाले पूरे इसमें अच्छे से ऐड हो चुके हैं, अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए, अब हम इसको इस स्टिक्स में लगा लेंगे। जी हाँ, देखिए इसके भी गोश्त के भी पीसेस आप वैसे ही रहने दीजिए जैसा दुकान से हम लाते हैं। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। देखिए, देखिए अच्छा हल्का हल्का करके अच्छे से लगा लीजिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही करके पूरे कंटिन्यू लगा लेंगे। देखिए इसके पीसेस को, गोश्त के मटन के पीसेस को आप ज़्यादा बड़े मत रखिए, मीडियम रखिए। देखिए, ये देखिए हम इसको अच्छे से लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देकर। एक स्टिक में मैंने 3 लगाया है, आप चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं इसके पीसेस। ये देखिए, क्योंकि पीसेस थोड़े बड़े हैं इसीलिए मेरे को 3 लगा रही हूँ। ये देखिए ये हमारे हैं मटन स्टिक्स, बहुत यमी होते हैं फ्रेंड्स ये। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, और ये भी इसको हाफ एन आवर लगता है बनाने में। जी हाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको। अगर आपके पास पपाया है तो पपाया का पेस्ट पहले लगा लीजिए। जी हाँ, नहीं तो आप अगर इसको कुकर में भी गला कर बॉईल कर कर भी आप इसको बना सकते हैं। जी हाँ, देखिए अगर आपको अर्जेंट है तो आप कुकर में भी इसको बॉईल करके बना सकते हैं। जी हाँ, मेरे पास टाइम था तो इसीलिए मैंने इसको लगा लिया है, पपाई का पेस्ट। जी हाँ, देखिए आप चाहे तो इसको भी बटर में फ्राई कर सकते हैं या ऑयल में। देखिए कंटिन्यू पूरा सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है हमको। देखिए मेरा है ये हाफ के जी मटन है। जी हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये स्टिक्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये देखिए मेरे बन चुके हैं 9 स्टिक्स आधा किलो मटन में। जी हाँ, ये है अभी कितने इसके 2 ही पीसेस बचे हैं मटन के। देखिए मसाला है, जी हाँ नहीं है, आप 10 स्टिक्स इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैंने 10 स्टिक्स बना लिए हैं मटन के आधा किलो मटन में। जी हाँ, अब हम इसको गैस के फ्लेम की तरफ हम चलेंगे, गैस को ऑन करेंगे, हम आपको फ्राई करके बताएंगे। चलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए मैं लगा रही हूँ, थोड़ा सा बटर है मेरे पास। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल हमारा। जी हाँ, ऑयल हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा ही डालिए, देखिए 1 टीस्पून। जी हाँ, इस तवे को अच्छे से फैला लेंगे ब्रश की मदद से। देखिए ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए अब हम इस पर रखते जाएंगे स्टिक्स। हम गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर दिए। ये देखिए ये अच्छे से हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे स्टिक्स हमारी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी हाँ, देखिए मैं 4 स्टिक्स रख रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए 4 स्टिक ही रखी हूँ मैं। इसको अच्छे से हम सेकेंगे, रोस्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर से फिर से हम लगाएंगे इसके ऊपर से बटर। देखिए हम लगाएंगे इसको अच्छे से बटर और ऑयल दोनों से भी आप बना सकते हैं। बटर या देसी घी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट आता है इसमें। जी हाँ, देखिए मैं बटर पहले ऑयल लगा दी थी, बटर भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये बकरीद में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, मगर ये सर्दी के मौसम में तो इसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। फ्रेंड्स को ज़रूर बनाइए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितने यमी 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 हो रहे हैं। देखिए
अब हम इसको अच्छे से पलट देंगे। जी हाँ, ये देखिए हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है फ्रेंड्स। देखिए नस्टिक्स, ये देखिए अब हम इसको अच्छे से पलट के सेक देंगे। देखिए देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये देखिए हम अच्छे से इसको पलटा लेंगे। हाँ ये देखिए फिर से हम इसके ऊपर बटर लगा लेंगे। अच्छा ब्राउन होने तक हमको इसको अच्छे से सेकना है। जी हाँ, गैस के फ्लेम को आप मीडियम ही रखिए, रखकर इसको अच्छे से रोस्ट करिए। देखिए फ्रेंड इसको गरम गरम ही सर्व करिए। जी ये जितने गरम होंगे खाने में उतना ही ज़्यादा इसके टेस्ट आएगा खाने में। फ्रेंड्स ये सर्दी के मौसम में बहुत यम्मी होते हैं खाने का, चटपटे चीज़ें स्पाइसी चीज़ें खाने का मन हमारा करता है सर्दी हो या बारिश के मौसम में। जी हाँ, इसीलिए मैं बना रही हूँ इसको डिनर में। जी हाँ, हमारे मटन स्टिक, चलिए आप भी बनाइए लंच या डिनर में आप बनाइए, या आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स कोई आए हैं तो उनके लिए बनाइए। जी हाँ, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में भी फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ पर भी चेक करके बना सकते हैं क्वांटिटी क्या क्या लगती है और कितना लगता है हमको, जी सामान कितना लगता है वो तो देखकर आप चेक करके भी बना सकते हैं या वीडियो देखकर भी आप बना सकते हैं। देखिए अच्छे से हमारे बन चुके हैं, अभी हम एक दो मिनट तक इसको अच्छे से सेकेंगे, थोड़ा और ब्राउन होने के बाद ही हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारे मटन स्टिक बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकाल ली हूँ, अब मैं इस तवे को रखी हूँ फिर से। देखिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बटर। जी हाँ, देखिए फिर से मैं लगा रही हूँ हमारा बटर। जी हाँ, मेरा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर दी हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं, अब हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे वही प्रोसेस जो फर्स्ट टाइम में मैं आपको बताई थी, स्टिक्स हमारे मटन स्टिक्स फिर इस पर रख देंगे। जी हाँ, देखिए अब हम इसको रख देंगे अच्छे से, अब हम इसके ऊपर लगा देंगे फिर से हमारा बटर। जी हाँ, देखिए बटर अच्छे से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप इसके गैस के फ्लेम को थोड़ा कम ही कर इसको बनाइए क्योंकि ये जल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमने पपाई लगाया है ये गोश्त बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाता है। जी हाँ, आप चाहे तो कुकर में भी इसको गोश्त को गलाकर बना सकते हैं। जी हाँ, अब हम इसको रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए इसको सेकने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे मटन फ्राई मटन स्टिक्स, जो देखिए मटन स्टिक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, हमने इसको निकाल दिया है। ये देखिए ये खाने के लिए सर्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग हमारे मटन स्टिक्स बनकर रेडी हो चुके हैं, इसको खाने के लिए बहुत ये बनाइए, बहुत मज़ेदार बहुत लाजवाब ये डिश है, रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरी देखिए और ज़रूर इसको बनाइए, ज़रूर इसको ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। हाँ, फिर हम आपके साथ मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। चलिए फिर, खुदा हाफिज़।